बात के दस्तावेज हैं। हमने माननीय गृह मंत्री जी को भी एक पत्र भेजा है, इसकी एक कॉपी हम आपको दे रहे हैं कि भारत बंद के नाम पर अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को झूठा फंसाकर पुलिस कार्रवाई के दमन से बचाने के संबंध में। महोदय, भारत बंद के नाम पर अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को पुलिस द्वारा झूठा फंसाकर भिन्न भिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने का सिलसिला पूरे देश में जारी है। अब तक पूरे देश में हजारों की संख्या में हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर जेल भेजा जा चुका है। ऐसी झूठी FIR की प्रतियां हम संलग्न कर रहे हैं। 2 अप्रैल भारत बंद के बारे में सामान्य जाति के लोगों द्वारा व्हाट्सएप पर जारी षड्यंत्र के खुलासे के स्क्रीनशॉट हम आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर रहे हैं। ग्वालियर में सामान्य जाति के एक युवक राजा चौहान ने सरेआम गोलियां चलाई, जिसमें अनुसूचित जाति समाज के व्यक्तियों की मौत हो गई। सरेआम पुलिस कर्मचारियों को राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए देखा जा सकता है। पुलिस कर्मचारियों द्वारा अनुसूचित जाति समाज के लोगों को प्रताड़ित करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अपमानजनक शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है। इन सभी घटनाओं की वीडियो फुटेज हम संलग्न कर रहे हैं। हमारे संज्ञान में यह भी आया है कि भिन्न भिन्न सरकारी विभागों में जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी भारत बंद के कारण कार्यालय नहीं पहुंच सके, उनकी छुट्टी स्वीकृत करने के स्थान पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही, जो संविधान का सीधा उल्लंघन है। इस संबंध में आपसे निवेदन है कि सभी सरकारी विभागों को जो अधिकारी कर्मचारी भारत बंद के कारण कार्यालय नहीं पहुंच सके, उनकी छुट्टी नियमानुसार स्वीकृत कराकर विभागीय कार्रवाई को रोकने हेतु आप उचित दिशा निर्देश जारी करने की कृपा करें। आपसे निवेदन है कि भारत बंद के नाम पर भिन्न भिन्न राज्यों की पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे दायर कर जिन निर्दोष अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग गिरफ्तार किया गया है, इन सभी निर्दोष लोगों को जेल से रिहा कराने तथा निर्दोष लोगों के खिलाफ पुलिस की दमनकारी कार्रवाई को रोकने के लिए उचित दिशा निर्देश जारी कर न्याय दिलाने की दिशा में पहल करने की कृपा करें। संलग्नक हैं थाना हापुड़ कोतवाली जिला हापुड़, थाना कोतवाली गाजियाबाद, विजयनगर मसूरी मोदी नगर और लोनी जनपद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की झूठी FIR की प्रतियां। सामान्य जाति के लोगों द्वारा व्हाट्सएप पर जारी 2 अप्रैल भारत बंद के बारे में षड्यंत्र के खुलासे के स्क्रीनशॉट। नंबर 3 षड्यंत्रों की सीढ़ी। तो ये हमने गृह मंत्री जी को कल ये रिसीव कराया था, दिया था उनको, और उनसे निवेदन भी किया था कि एक शिष्टमंडल आपसे मिलना चाहता है।